सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। चलिए आज आप लोगों के साथ मिल करके मैं एक बहुत ही लोकप्रिय मराठी डिश मिसल पाव बना रही हूँ। मिसल पाव मूंग और मोट के स्प्राउट से बनाया जाता है। ये मूंग और मोट के स्प्राउट से एक स्पेशल भाजी बनती है और इसे ताजे पाव और प्याज और नींबू के और कुछ नमकीन डाली मिक्सचर डालकर इसे खाया जाता है, जो बहुत ही चटपटा लगता है। और चूंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स मूंग और मोट स्प्राउट किया हुआ है तो ये हेल्दी भी हो जाता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं चटपटा मिसल पाव। मिसल पाव बनाने के लिए मैंने सामान लिया है। यह मैं मूंग और मोट के स्प्राउट ले रही हूँ। आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं, चना, हरे मटर, किसी चीज़ का भी स्प्राउट आप ले सकते हैं, लेकिन मेन इसमें जो है मूंग और ये मोट के स्प्राउट होने चाहिए। और इसके लिए जो मसाला है, तो पहले ये सूखा मसाला है, 2 चम्मच धनिया मैंने लिया है, साबुत धनिया है, 1 चम्मच जीरा है, और ये 4-5 ये लौंग है, और मैंने 2-3 ये 3 टुकड़े इलायची ये दालचीनी ली है, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और ये 8-10 दाने मैंने काली मिर्च के लिए है। मिसल पाव थोड़ा तीखा अच्छा लगता है तो मैं ये 2 लाल मिर्च ली हूँ, 2 हरी मिर्च है, ये लहसुन की 6-7 कलियाँ लहसुन की है, और ये अदरक का 1 टुकड़ा है, और ये स्लाइस प्याज है, 1 प्याज को मैंने स्लाइस करके रखा है, 1 टमाटर को मैंने काट लिया ऐसे, ये धनिया है, और ये है मिक्सचर नमकीन है जिसको कि इसमें चूड़ा और मूंगफली और ऐसे मिक्स सारे ये रहते हैं, तो ये मिक्सचर है। और ये नारियल तो सबसे ज़रूरी है, इसको नारियल को मैंने ये स्लाइस कर लिया है, ये मैंने 1 टुकड़ा एक गोले को तोड़ा और 1 टुकड़ा नारियल, ये 1 बाउल ये नारियल है सूखा। अब चलिए पहले हम इसका सूखा मसाला बना लेते हैं। ये सूखा मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है और मैं इसमें 1 स्पून तेल डालूंगी। ये देखिए, सबसे पहले हम ये गर्म हो जाए तो ये सूखा मसाला को हम सेक लेंगे। तो देखिए हमारे ये कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो पहले हम जीरा डाल देते हैं, ये साबुत मसाले डाल देती हूँ, ये साबुत धनिया डाल देते हैं, ये लाल मिर्च, इसकी जो अच्छी खुशबू आ जाए, मसाले की खुशबू आने लग जाए तो ये करें, और साथ में ये नारियल भी डाल दीजिए। मैंने थोड़ा नारियल ग्रेट कर लिया और ऐसे काट के भी डाला है, तो ये नारियल भी डाल लें, और ये नारियल ये सब अच्छे से भून जाना चाहिए। ओके, इसकी खुशबू अच्छी आने लग गई। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए इसकी खुशबू अच्छी आने लग गई, मैंने गैस बंद कर दिया है, मसालों को मैंने ऐसे निकाल लिया है। अब मैं 1 चम्मच तेल और इसमें डालूंगा, अभी कढ़ाई भी गर्म है, गैस भी ऑन है, तो मैं 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 चम्मच हींग डालूंगी, हींग डाला मैंने, ये हरी मिर्ची, लहसुन और ये अदरक और प्याज को इसे भी अच्छी तरह से भून लें, प्याज मिर्ची अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लें। जब ये भून जाए तो गैस बंद करके इन्हें ठंडा होने दें,
के साथ प्याज को पीस कर मसाला तैयार करूंगी। देखिए खुशबू अच्छी आने लग गई और ये प्याज भी भून चुका है, लहसुन अदरक हरी मिर्च सभी भून चुका है। मैं गैस बंद कर रही हूँ। तो देखिए ये जो मसाला मैंने तैयार किया था ये अब ठंडे हो चुके हैं, तो इसे मिक्सी में डाल देते हैं। और मैं मिस कर गई थी, इसमें मैं एक चम्मच रोस्टेड खसखस भी डालूंगी। ये मैंने इसमें खसखस डाला है और ये सारा ये डालकर इसको एक साथ मिक्सी में चला ले जाएगा। तो देखिए ये जो मसाला मैंने पीसा वो इस तरह से पीस चुका है। दो बड़े चम्मच तेल डालूंगी। देखिए तेल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जीरा डाल दें, जीरा थोड़ा सा फूटने लग जाए तो ये हरी मिर्ची डाल देंगे। फिर मैं ये एक कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ, प्याज थोड़ा सा सूख गया, टमाटर पक चुका है, अब ये प्याज पक चुका है, इसमें मैं टमाटर डाले। मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को इस तरह से बारीक काट लिया है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी मिला रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ। स्वाद के हिसाब से आप नमक भी डाल दें इसमें। ये जो मसाला मैंने तैयार किया था वो मसाला पूरा डाल दे रही हूँ। इस मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। एक एक मिनट करके 2-3 बार करके ढक दें ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ ये टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें ये सारे स्प्राउट्स डाल दे रहे हैं। मैं 1/2 कप पानी डाल दें, 1/2 कप पानी डालकर देख लें, पहले अच्छी तरह से चला के देख लें। इसमें थोड़ा पानी की और ज़रूरत है तो मैं 1/2 कप पानी और डालूंगी। पानी और मैं डाल रही हूँ इसमें, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर, और इसे मैं 2 से 3 सीटी ले लूंगी। तो इसे 2 या 3 सीटी आने देते हैं। देखिए 3 सीटी आ चुका है और इसका भाप भी निकल गया है। अब हम देखते हैं, ये देखिए ये अच्छा सा बन गया है। ये अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और मिलाएंगे, लेकिन इसका कलर थोड़ा और लाल होने के लिए मैं ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मिला रही हूँ और 1/2 कप पानी मिला रही हूँ। कटा हुआ धनिया मिलाकर इसे तो उबाल ले लेते हैं। तो देखिए ये उबल गया है। आप चाहें तो अगर इसमें पानी और मिलाना चाहें तो और मिला सकते हैं पानी, वैसे ये काफ़ी है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं, गैस बंद कर देते हैं। इसके ऊपर आप ये प्याज डालें। ये जो नमकीन है इसमें पोहे वगैरह मिला हुआ है तो आप ये नमकीन डालें। देखिए ये ग्रेवी में और ऐसे मैंने डाल दिया और थोड़ा प्याज डालकर, और अगर आप पसंद करते हैं तो इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी भी आप डाल सकते हैं। वैसे तो ये हमारा मिसल पाव आपको कैसा लगा आप मुझे बताएं, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।